गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नई कन्वर्सेशन। हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन, यानी कि मदर और सन के बीच में कन्वर्सेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तब भी हमें एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी होती है, तो तब थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है। लेकिन ये एग्जाम से रिलेटेड कन्वर्सेशन है मदर और सन के बीच, तो चलिए सीखते हैं इसे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। जैसे मदर कहती है अपने बेटे को, बेटे का नाम क्या है, सुमित। गेट अप सुमित, इट इज 7 o'clock, यानी कि 7 बज चुके हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से 5 बजे लिख सकते हैं, 6 बजे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुमित कहता है इट्स टू अर्ली मॉम या इट्स टू अर्ली मम्मी, ठीक है। यहां पर मैंने सुमित लिखा है, यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। तो वो कहता है मम्मी जल्दी है अभी तो बहुत, ठीक है। मदर कहती है माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, यू हैव योर इंग्लिश एग्जाम टुडे, यानी कि तुम्हारा आज इंग्लिश का एग्जाम है। तो गेट अप एंड रिवाइज योर इंटायर सिलेबस, बेटा उठो और अपना सिलेबस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो सन कहता है ओके मम्मी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर, मुझे बस 5 मिनट और दे दो, ठीक है। जैसे कि हम सभी कहते हैं मम्मी 2 मिनट में उठ रहा हूं, 3 मिनट में उठ रहा हूं, 5 मिनट दे दो, ठीक है। तो यहां भी कन्वर्सेशन में सुमित अपनी मम्मी को कह रहे हैं क्या, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर, मुझे 5 मिनट और दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मम्मी कहती है वेल फर्स्ट गेट फ्रेश, सबसे पहले फ्रेश हो जाओ, देन ब्रश योर टीथ, और अपने दांत साफ कर लो, यानी कि ब्रश कर लो। आफ्टर दैट, उसके बाद टेक बाथ, नहा लो, एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाओ, ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ला रही हूं, ठीक है। ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हो उसकी मम्मी, ब्रिंगिंग का मतलब लाना। नेक्स्ट सन, आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा हो जाता है, तो उसके बाद सुमित क्या कहते हैं, मॉम आई एम रेडी, प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, मम्मी मैं तैयार हो गया हूं, अब ब्रेकफास्ट ले आओ, ठीक है। तो सर यानी कि सुमित कहता है यस, मम्मी कहती है फर्स्ट हैव योर ब्रेकफास्ट, सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करो, एंड रिवाइज योर सिलेबस, और अपना सिलेबस रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट सर कहते हैं मॉम आई हैव रिवाइज्ड माई इंटायर सिलेबस, जैसे उसने ब्रेकफास्ट कर लिया और वो फटाफट अपना सिलेबस रिवाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद सिलेबस रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मॉम कहती है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए उसकी मम्मी ने क्या कहा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो सन कहता है थैंक यू सो मच मॉम, धन्यवाद, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। जैसे मम्मी कहती है गेट अप स्मिथ, इट इज 7 o'clock, सुबह 7 बज चुके हैं, जल्दी कह रही हो, सो उठो, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं हरी अप। तो सुमित कहता है इट इज टू अर्ली मम्मा, इट इज टू अर्ली मम्मी, यानी कि बहुत जल्दी है। फिर मम्मी कहती है माई डियर सन, यू हैव योर इंग्लिश एग्जाम टूडे, यानी कि आज तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। तो गेट अप एंड रिवाइज योर इंटायर सिलेबस, यानी कि अपना सिलेबस फटाफट रिवाइज कर लो। तो यहां पर सन यानी कि सुमित कहते हैं ओके मम्मी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर, मुझे 5 मिनट और दे दो। फिर मदर कहती है वेल फर्स्ट गेट फ्रेश, प्लीज ये लाइनें अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको स्पीकिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम होते हैं, आप अच्छे से इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, लर्न करके रिवाइज करके इसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मदर ने कहा फर्स्ट गेट फ्रेश, देन ब्रश योर टीथ, आफ्टर दैट टेक बाथ, सबसे पहले फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, नहाओ और तैयार हो जाओ, एंड गेट रेडी, आई एम ब्रिंगिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूं, ठीक है। तो सन यानी कि आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे बाद जैसे वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है मॉम आई एम रेडी, प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, यानी कि मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। फिर उसके बाद मॉम कहती है फर्स्ट हैव योर ब्रेकफास्ट, चलो फटाफट जल्दी से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो, एंड रिवाइज योर सिलेबस, और अपना सिलेबस रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर यहां पर सर मॉम
आई हैव रिवाइज्ड माई इंटायर सिलेबस। जैसे ही उसने ब्रेकफास्ट किया फटाफट अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया और अपनी मम्मी को भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। तो बेटा भी कहता है थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मॉम, यानी कि मम्मी को वो धन्यवाद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव अ नाइस डे।